भाई इसको क्या कहते हैं यार, इसका नाम क्या है इसका? मसाल चोट। मसाल चोट। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? तो गाइस आप लोगों का दोबारा मेरे चैनल पे स्वागत है। गाइस हम कश्मीर में ही हैं, तो मैं एक यूनिक चीज़ कश्मीर का मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ आज, वो है कश्मीर का संडे मार्केट। आप मोस्टली लोग जानते होंगे कि कश्मीर का संडे मार्केट कितना फेमस है, तो जो भी कश्मीर आते हैं तो एक बार ज़रूर ये संडे मार्केट का थोड़ा सा शॉपिंग करना पसंद करते हैं, संडे मार्केट में घूमना पसंद करता है। इस मार्केट का खासियत ये है कि यहाँ बड़े से बड़े और छोटे से छोटे लोग, सारे लोग आते हैं और सबके पसंद का सामान मिलता है, सबके मतलब चॉइस का सामान मिलता है, सबके जो है बजट का सामान मिलता है। और बात यह है कि यहाँ सुबह सुबह अगर आया जाए तो कहते हैं ये बहुत जो बड़े बड़े लोग हैं या जिनको बहुत ज़्यादा सामान अच्छे क्वांटिटी में लेना, बल्क में लेना, वो सुबह सुबह यहाँ आते हैं, वो इस चीज़ का नज़ारा लेके इसको लेके चल देते हैं जब तक मार्केट पूरा मतलब फुल फ्लैश में आता तब तक। तो गाइस मैं आपको इस मार्केट का नज़ारा दिखाने वाला हूँ। मैं हूँ यहाँ पे, आपको मैं दिखाऊँ, ये मेरे पीछे दिख रहा है, ये पोलो व्यू है, पोलो व्यू ये मार्केट है, ये बाज़ार यहाँ पे टूरिस्ट सेंटर के साथ में है, लाल चौक को लगता है, तो लाल चौक तक ये लंबा जुड़ा हुआ है ये टूरिस्ट सेंटर से लेके। तो चलिए आपको यहाँ के मार्केट का एक नज़ारा आज मैं दिखाऊँ। गाइस तो ये देखिए, ये आर्टिफिशियल प्लांट, ये भी बड़ा अच्छा चलता है यहाँ पे, इसका भी बड़ा अच्छा मार्केटिंग है, क्योंकि आपको पता है विंटर में थोड़ा सा सर्दी होता है तो इस चीज़ को बहुत पसंद करते हैं, ये एवर ग्रीन रहते हैं ये। ये कर्टेंस प्लस पिलोज वगैरह देखिए भाई दोस्त, ये कितने का है? ये 300 का पेयर है कि पीस है? एक पीस है। वेरी गुड यार, इसमें क्या क्या भरा हुआ है इसमें? ये रुई वाला है, कॉटन है इसमें। ओके वेरी गुड। सिंथेटिक वाला है कि नॉर्मल वाला? सिंथेटिक कॉटन है, एक दूसरे वाला। ये भी फाइबर? ये फाइबर है, ये फाइबर है, ये 350 का एक पीस है, और ये वो है। और गुड यार, यस गाइस, तो ये नज़ारा है संडे मार्केट का। जरा हम दूसरी साइड पे हैं, जिस साइड को थोड़ा सा भी कम क्राउड है, तो उस साइड में मैं घूम के आऊँगा, वो बड़ा उसमें बहुत क्राउड रहता है, वो साइड को अच्छा सामान मिलता है। तो गाइस मैं आपको यहाँ के मार्केट के खुसूसियत बता दूँ, वो ये है कि यहाँ पे जो है बार्गेनिंग का सिस्टम बिल्कुल नहीं होता है, जो रेट इन्होंने फिक्स किया है वही रेट होता है कंटिन्यू। ये ब्लैंकेट वाले उस पर मैं ले आऊँगा स्टॉल पे, मैं देखता हूँ पूछता हूँ ब्लैंकेट का क्या रेट है। अरे कितने का डबल है ना? कितने का दिया भाई? ये 500, 850, 1200। ये 750, ये 1200, 850, 1200 ये है। डबल ले रहे सिंगल है? सिंगल है। क्यों भाई इतना क्या खुश होती है इसकी यार? डबल रेल वाला 1500। अच्छा ये डबल लेयर 1500, काफ़ी यार रेट में फ़र्क है। ऐसा क्या ब्रांड है ये, क्या है? वेट में फ़र्क है ना, कंपनी वेट में फ़र्क है, ब्रांड और वेट में फ़र्क है। डबल सिलाई इसमें, डबल सिलाई है इसकी। गुड यार, चलिए। अच्छा ये बताओ यार, कोई बार्गेनिंग का सिस्टम है इसमें? नहीं है बार्गेनिंग तो ज़्यादा नहीं होता है, 5,500 रुपये होता है। 5,500 रुपया बार्गेनिंग करते हो यार? मैंने तो ये देखा कि यहाँ पे बहुत कम लोग बार्गेनिंग करते हैं, बार्गेनिंग का इस मार्केट में है ना, यहाँ पर बार्गेनिंग बहुत करते हैं कस्टमर। बट यार मुझे आप ना, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने बोला यार, सच बात है कि थोड़ा बहुत हम 500 बार्गेनिंग करते हैं। दोस्त यार ये बताओ, नाम अपना क्या है आपका? मेरा नाम असलम हुसैन है। हाँ असलम हुसैन। असलम हुसैन कहाँ के हो भाई? अशाइबा का रहने। अरे गुड यार, कैसा? और हमेशा लगाते हो यहाँ पे मार्केट? हमेशा लगाते हैं। गुड यार गुड। ये देखो मेरे को असलम हुसैन एक मिला बंदा, बड़ा अच्छा है, इसने फ्रेंकली बता दिया कि यहाँ पे अगर आप लेना चाह रहे हो तो थोड़ा बहुत बार्गेनिंग इनके पास है सिस्टम, अच्छा लगा। चलिए गाइस तो एक स्टॉल पे हम आए हैं, यहाँ पे मेरे को कुछ इंटरेस्टिंग सामान दिखाई है, यहाँ पे लेडीज बैग्स है, पर्सेस है और कुछ और दूसरे पर्स भी है। ये ट्रेडिशनल कश्मीर का कढ़ाई वाला है, तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे फेमस है, काफ़ी अच्छा बिकता है इनकी। और ये जूते हैं बसी बोलते हैं इसको, है ना, पेयर का। भाई क्या हाल है, कैसे है, मज़े में है? ये बताओ भाई ये कैसे दिया मसी हैं? अच्छा गाइस तो ये जो मसी है, ये जूता इनर पहनते हैं और विंटर में आप इसको बड़े जूते के अंदर भी पहन सकता है, तो इससे हॉट रहता है, ये लेदर का होता है। और ये कह रहे हैं कि इसका 200 रुपया। और पर्स का बताओ भाई, ये
ये 300 और लेडीज बड़े वाला 1100। अरे 1100 है गुड़िया, ये थोड़ा सा कॉस्टली लग रहा है। ये ठीक है, कॉस्ट होता है क्योंकि ये ट्रेडिशनल है, हाथ से बनाते हैं ये लोग, कढ़ाई करके बनाते हैं, तो ज़्यादा कॉस्ट भी इसका नहीं है। ये क्या लेना चाह रहे हैं? हाँ जी सर बताइए। इससे पूछो क्या लेना चाह रहे हैं? ₹100 ये जो आपका ये सूट बेच रहा है, इसका स्टाइल तो इसके एक मेरे को एक भाई मिला, मैं इससे पूछता हूँ। हाँ भाई, क्या नाम है आपका यार? दोस्त मेरा नाम फैसल है। फैसल है, वेरी गुड। ये आपने बड़ा है ना, ये फर्स्ट टाइम है, पहली बार ₹100 में सेल। ₹100 खरीदते, हमने भी खरीदे 5। आपने खुद खरीदे 5 है ना? दिखाओ जरा 5। हम 5 उठाएंगे बराबर 5। हाँ वाकई में ना, ये दुकान पे एक मिलता है 500। दुकान पे एक मिलता है 500 में। हाँ इसने 5 दिए 500 में। वाकई में यार फैसल भाई अच्छा लगा यार, है ना? अच्छा सेल है वाकई में। ओके मैं अच्छी से गाइस, तो इस मार्केट का नज़ारा देखिए। आगे ऊपर चिनार का पेड़, कितना बड़ा पेड़ है, उसके नीचे मार्केट, क्या नज़ारा है, क्या छाया है, ये आप खुद देखिए, नज़ारा ले लीजिए इस मार्केट का। बताने की जरूरत नहीं, आप लोगों को खुद ही पता चल रहा होगा क्या इस मार्केट का और क्राउड है, इसमें रश कितना है, लोग क्या क्या खरीद रहे हैं, कैसे पसंदीदा मार्केट है यहाँ पे। आपको लगता नहीं है कि यहाँ पे मतलब सेकेंड हैंड आइटम या पुराने लोग टाइप का, यहाँ पे ये मार्केट ऐसी, यहाँ पे नए से नए आइटम भी आता है क्योंकि संडे लगता है इनको सेल की वजह से। काफ़ी अच्छे दुकान वाले भी सारे अपना यहाँ पे स्टॉल लगाते हैं, तो यहाँ पे माल की क्वालिटी बड़ा अच्छा होता है। और मेन बात यह है कि प्राइस यहाँ का बहुत अच्छा है, प्राइस यहाँ की जो है ना बहुत अच्छी प्राइस यहाँ का रहता है, तो बड़ा अच्छा है। ये बैग्स देखिए, आप अपना पसंद यहाँ पे हर चीज़ आपको पसंद का आप पसंद कर सकते हैं, यहाँ पे हर चीज़ मिलेगा आपको। बैग्स का कलेक्शन देख लीजिए, पिट्ठू बैग्स का कलेक्शन, सफारी बैग का है, स्काई बैग्स का है, बड़े अच्छे अच्छे हैं। मैं ट्राई करता हूँ मार्केट के बीच में से चलने की, रश ज़्यादा है, खुला तो चल नहीं पाएंगे, बट फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। ये देखिए स्टॉल्स, शॉल्स, एक ये स्टॉल मेरे को दिखा, ये चार पाई अपना इस पे है, ये जो क्रॉकरीज, तो इसमें एक चीज़ है, ये आपको बताऊँ, ये इसको देख बोलते हैं, ये कश्मीर में बहुत ट्रेडिशन है, फेमस है, बट ये सिल्वर का है तो काफ़ी हैवी है, बट यहाँ पे ना कॉपर का बड़ा अच्छा चलता है, बहुत इसका ट्रेडिशन है, फिर ये भी मुझे अच्छा लगा, काफ़ी भारी है तो अच्छा। ये क्या भाई पीस पे दे रहा है, क्या है आप वेट पे दे रहे हो? पीस पर दे, ये पीस के हिसाब से कितने का है ये पीस छोटे वाला? ये ढक्कन समेत 300 का है। हाँ ठीक है, आज के टाइम पे क्या मिलता है, ठीक है अच्छा है। ये 450 खुश, ये हाँ ये इससे थोड़ा बड़ा है, ये 450 का है। गुड गुड, सही सही, ठीक है दोस्त यार, थैंक यू है भाई। अगर थक जाते हो मार्केट में शॉपिंग करके, तो यहाँ पे क्या पार्क है छोटा सा, पॉलोवी पार्क, तो मैं आपको इसका भी नज़ारा एक बार दिखा दूँगा आपको। लोग फैमिलीज के साथ आते हैं, बाजार में घूमते हैं, थक जाते हैं तो रेस्ट करते हैं, थोड़ा एंजॉय करते हैं, तो ये वो पार्क है।
यहाँ पे आप देख लीजिए, काफ़ी अच्छा है। कभी आप आए तो इस पे रेस्ट भी कर सकते हैं आप लोग। ये भाई टी शर्ट भेज रहा है, ये कह रहा है 30 रुपए के। आप इमेजिन कर सकते हैं 30 रुपए का आपको टी शर्ट मिल सकता है कहीं पे? ये भाई साहब भी दिख रहा है, आपने नहीं इमेजिन किया होगा कहीं। अच्छा टी शर्ट है, ब्रांड तो मैं नहीं कहूँगा बट है क्वालिटी, क्वालिटी अच्छा है। इसे 30 रुपए का, 30 रुपए का कौन किसने इमेजिन किया होगा आज 30 रुपए का आपको जो है टी शर्ट मिलेगा। भाई साहब कैसा लगा आपको इनका रेट सुन के? ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा लगा आपको? अच्छा लगा, वाकई में सही कह रहा है, ये बिल्कुल सही है। इससे अच्छा सस्ता आप सोच नहीं सकते, इससे सस्ती भी आपको मिलेगी, है ना? हाँ ये देखिए साथ में ट्राउजर भी है, ये भी कह रहा है 30 रुपए का। कमाल है कमाल है, अच्छा है, बढ़िया। हाँ यस गाइस, हाँ अगर आप मार्केट में थक गए हो शॉपिंग करके, तो भाई के एक चाय वाला भी है यहाँ पे, अच्छा लगा। इसे देखिए, अरे दोस्त कौन सी चाय आपके पास यार? हाँ भाई चाय कुछ लिप्टन की नून, लिप्टन नून छिने की ही। मैं इससे पूछ रहा था भाई से कि चाय कौन सी है, कह रहा है लिप्टन चाय है, मीठा चाय। तो यहाँ पे कश्मीर की फेमस ट्री है जो साल्ट थी वो इनके पास नहीं है, बट आप इसका भी जब थक जाता है तो इसका भी इंजॉय कर सकते हैं आप गाइस। तो संडे मार्केट में है तो हम, मैं आपको यहाँ के एक मशहूर चीज़ से मिलाने जा रहा हूँ, दिखाने जा रहा हूँ, इंट्रोड्यूस कराने। ये देखिए उसको घेर के कैसे बैठे हुए लोग, कितना रश पड़ा हुआ इसके ऊपर, शायद आपको मालूम भी होगा। ये जो भाई है ये बना रहा है भाई, इसको क्या कहते हैं यार, इसका नाम क्या है इसका? मसाल चोट। मसाल चोट है ना भैया, मतलब क्या हो गया, थोड़ा उर्दू में बताओ, हिंदी में बताओ। ये छोला होता है। ओके यस, यहाँ का ट्रेडिशनल छोला। ओके ओके ओके, गुड गुड। भाई कैसे दिया ये? 20 का एक, 20 रुपए के एक है। अब ये देख सकते हो, चटनी देख के आपके मुंह में पानी आ जाएगा, है ना? एक मुझे दे दो यार, ये चने का बनता है ना, चना है ना, ये मटर होता है ये। हाँ ये बिल्कुल बिल्कुल छोला होता है व्हाइट वाला, तो उस पर चटनी डाल के साथ में ये रोटी के साथ बनता है। ये कश्मीर का बहुत फेमस आइटम है, एक बार मैं मंगा लेता हूँ, मैं भी देखता हूँ। एक मुझे भी दे दो, एक मुझे भी दे दो, ठीक है ना? बनाकर बढ़िया, थोड़ा चटनी ज़्यादा रखना है। ये आ गया मेरे पास वाला, शुक्रिया यार। ये भाई क्या नाम है आपका? आसिफ। हाँ आसिफ भाई, और आपका? दानिश। देखो ये कि दो भाई मुझे मिले नजदीक, आओ यार आसिफ, आसिफ ये आसिफ है, वाला 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 ये आसिफ और दानिश मुझे मिला, इन दोनों ने मुझे गिफ्ट किया ये। थैंक यू भाई यार, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू है आपको। मैं आपको एक बार ये चीज़ खोल के देख लेते, इन्होंने क्या बांधा है इसमें। ये वाइट जो काबली चना होता है, इसको आप भिगा के उबाल के साथ में प्याज और ये हरी मिर्च और धनिया वगैरह की चटनी डाल के देते हैं। एक बार मैं दिखाता हूँ आपको, टेस्ट करके बताता हूँ आपको। तो मैं आपको दिखाता हूँ, इसको ऐसे इसके बीच में लपेट के रखते हैं और इसको फिर खाया जाता है, ठीक है? मैं टेस्ट करके बताता हूँ आपको यहाँ का क्या, इसका ये कितना टेस्टी है, क्या बता, मैं आपको बताता हूँ टेस्ट करके। मैं अपने मुंह से ये टेस्ट बयान नहीं कर सकता, इसका अलग ही टेस्ट है। इसमें बिल्कुल स्पाइसी बिल्कुल नहीं है और इतना मज़ा है, इसका क्या बताऊँ मैं आपको। आप लोगों को लगता होगा मार्केट के आए थे मैं कैसा लगता है, बट ये दिस इज़ वन ऑफ फेमस कश्मीरी डिश, इसको मसाल चोट बोलते हैं। मसाल चोट का मतलब होता है मसाला रोटी के साथ में, ये चने चुने का डाल के मसाला बोलते हैं इसको, चोट बोलते हैं रोटी कश्मीरी को। तो आप जब भी आएंगे इस चीज़ का भी नज़ारा। गाइस तो शॉपिंग के बाद नेचुरल बात है, भूख लग लग जा रही किसी को, हाँ काफ़ी घूमना फिरना होता है। तो लाल चौक एरिया में जहाँ पे आप संडे मार्केट शॉपिंग करें, वो एरिया में भी रेस्टोरेंट्स की कमी नहीं है
बट मैं आपको एक रेस्टोरेंट सजेस्ट करना चाहूँ, थोड़ा सा आगे निकल के आपको डलगेट की तरफ जाना होगा। जब आप डलगेट को जाओगे तो आपको हाउस बोट वगैरह दिखेगा, बोटिंग भी आप कर सकते हो। तो उसमें थोड़ा सा डलगेट पे आगे जाके एक रेस्टोरेंट है, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। थोड़ा सा एंटिक टाइप का, चाइनीज़ टाइप का, इंडियन कुजीन, चाइनीज़ कुजीन सब चीज़ मिलता, तो रिफ्रेश होने का अच्छे जगह है, अच्छे रेस्टोरेंट है। तो चलिए उसके बाद दिखा देता हूँ। आप शॉपिंग हो गया तो आप लोगों को भी ये चीज़ ज़रूरी है कि लंच करना ही है। यस, तो हम उसके नज़दीक आ गए हैं। ये है अपना, आपको मैं दिखा देता हूँ, ये लासा मल्टी कुजीन गार्डन रेस्टोरेंट। तो ये बहुत अच्छा है, आपको रिफ्रेश होने की जगह है, अच्छा सा लंच करने के बाद थोड़ा रेस्ट भी कर सकते हैं। गार्डन वाला यहाँ आउटिंग का भी है। चलो तो हम लासा में एंट्री करते हैं। ये हम एंट्री हो गई, एंटर आ गए हैं। ये काउंटर बस, ये अंदर का, अंदर बैठने का है। ये अंदर का यहाँ एंजॉय कर सकते हैं इंडियन चाइनीज के जी दोनों। तो आउट में ये भाई है अपना कॉन्टैक्ट मैनेजर। ये आपका बाहर बैठने का गार्डन। बहुत अच्छा है।